सवाल ये कि पार्क और सड़कों पर होने वाले हर तरह के धार्मिक आयोजन पर क्या पाबंदी लगा देनी चाहिए? जी मैं कहना चाह रहा हूं कि एक डिफरेंस है, गवर्नमेंट लैंड और पब्लिक स्पेसेस में डिफरेंस है। आपको ये समझना होगा प्रतीक जी, संविधान के अनुच्छेद 24 और 25 के तहत जो पर्सनल राइट है, हर व्यक्ति को अपने आस्था से जुड़ा राइट है, मैं ये कहना चाहता हूँ बिल्कुल ये इसीलिए ये जो संवैधानिक पीठ बैठेगी, संवैधानिक पीठ एक बीच का रास्ता निकालेगी, क्योंकि हर व्यक्ति को आप घर के अंदर बैठ के सिर्फ आस्था नहीं करने दे सकते। एक सेकेंड, मेरी बात सुनिए, एक सेकेंड सर आप बोलिए। दूसरी बात, हिंदुस्तान का संविधान हिंदुस्तान में लागू होगा, बाहर का संविधान बाहर लागू होगा। शांत रहिए, भले नमाज हो या जागरण हो, लाउड स्पीकर के मैं अगेंस्ट हूँ, परंतु मैं आपसे कहने की कोशिश करूँ, मान लीजिए कम्युनिटी सेंटर है, अब कम्युनिटी सेंटर के अंदर वहाँ के सब लोग चाहते हैं कि वहाँ उस कम्युनिटी सेंटर भले नमाज हो कुछ भी हो पढ़ना चाहिए, तो वो कम्युनिटी सेंटर तो अलाउ कर रहे हैं, वहाँ के लोग तो अलाउ कर रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ उसमें लोकल अथॉरिटी RDA इनको भी आपको एक जिम्मेदारी सबसे ज्यादा एडवांस्ड हो चुकी है, जो हमारे लिए आइडियल है, चाहे यूरोप हो चाहे अमेरिका हो, टेरर अटैक होते हैं। सर अब आप लेट मी कंप्लीट, मैंने आई वाज नॉट इंटरवीनिंग यू प्लीज, आप मैं यूरोप से सीख रहा जी। 130 करोड़ से ऊपर देश अब कोई व्यक्ति नहीं है, 130 करोड़ लोगों को अगर किसी गाइडलाइन की जरूरत है तो हमारे 130 करोड़ लोगों ने बनाया है, उसको बनाया, उसने आस्था जताई है। भारत का संविधान भीमराव अम्बेडकर ने इतना खूबसूरत संविधान भारतीयों को दिया है, भारतीयों को इतना खूबसूरत संविधान दिया है, सुप्रीम कोर्ट सुन लीजिए, संविधान को सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करेगी। मैं ये चाहना चाह रहा हूँ कि सब व्यक्ति इस पैनल में बोले कि जो लाउड स्पीकर है, जब वो अजान के वक्त चलता है या किसी कीर्तन के वक्त चलता है, लाउड स्पीकर, डीजे लाउड स्पीकर, इन सब का विरोध करना चाहिए। पहली चीज, सब विरोध करेंगे, ऑब्वियसली कानून है इस पे भैया, कानून है, इतने उत्तेजित मत हो, कानून, अरे कमाल है, कोई कानून होने से पहले नॉइज पॉल्यूशन एक्ट पढ़ लेते, कोई बात नहीं। अरे कमाल है, ये आपकी गलती है, मेरी आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, कमाल है, ये आपकी गलती, आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, अब आप ये चाह रहे हैं कि बात कनॉट प्लेस में आ जाइए, जोर जोर से डीजे चलेंगे, आप लोगों को मैं 10 लोकैलिटी दिखाऊंगा जहां पे अजान पे स्पीकर होगा। मेरे हिसाब से इसका सोल्यूशन ये है कि सरकारी जमीन पे कोई भी ऐसे कार्यक्रम ना हो, भले अजान हो या भले कीर्तन हो, परंतु लोकल पार्क में अगर लोकल लोग चाहते हैं कि उनके वहां पे हो सकते हैं, तो वो लोकल लोगों के हाथ में छोड़ देना चाहिए। तो ये डिफरेंस करना जरूरी, क्योंकि सुप्रीम संविधान में आर्टिकल 24 और 25 आस्था से जुड़ा हुआ है, जिसमें वो इतनी फ्रीडम देता है, और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी ये लाइन लेगी।